गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। तो आज है बड़ा ही स्पेशल दिन, हमारे राम जी आ रहे हैं अपनी अयोध्या नगरी में वापस। तो हमारे कॉलेज में फंक्शन है, राम जी के आने की सेलिब्रेशन होगी एंड काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं एंड मेरे सब दोस्त भी कह रहे थे कि व्लॉग करा कर तू, रोज़ तूने चैनल बना कर तो व्लॉग करा कर। तो मैं मिनी व्लॉग तो डालती हूँ बट मेरा मन करा कि आज व्लॉग करते हैं। मैं व्लॉग तो कर लेती हूँ बट एडिट करने में मुझे बहुत आलस आता है तो इसलिए मैं नहीं करती व्लॉग ज़्यादा। बट इस टाइम मैंने सोचा कि अब मुझे शुरू करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मेरे चैनल में बस शॉर्ट्स हैं ज़्यादातर और मैंने लास्ट डाला था दिवाली पे व्लॉग। सो और मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट से, जाने का टाइम हो ही गया है मेरा, कॉलेज जाके मिलते हैं। हाय, सो दैट्स माय आउटफिट। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सर्दी के कपड़े ही नहीं हैं, सूट मतलब ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है मेरे पास सर्दी के। एंड तो मैंने अपना गर्मी वाला ये सूट पहन लिया जो मैंने रक्षाबंधन पर लिया था एंड उसके अंदर इनर पहन लिया। अब जैसा भी लग रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, ठंडी लगनी चाहिए बस। तो कॉलेज पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही फंक्शन स्टार्ट हो गया था एंड आप लोग आगे की वीडियो एंजॉय करना क्योंकि काफ़ी लाउड म्यूजिक था एंड रैली निकाली गई थी, तो आप एंजॉय करो। हमारे कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात है कि हर फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से और मन से सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो फेस्टिवल हो या फिर कोई भी इंडिपेंडेंस डे का दिन हो, रिपब्लिक डे हो, कोई भी नेशनल हॉलिडे हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं पूरे मन से। एंड ऑल्सो पूजा भी करवाई जाती है, हवन भी कराया जाता है एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने कॉलेज के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा दिवाली ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी आपने नोटिस करा होगा कि कितने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट हुई थी कॉलेज में। और बाकी तो मैं मिनी ब्लॉग्स में डालती ही रहती हूँ अपने कॉलेज की वीडियोज़ एंड ऑल्सो अब आप आगे की वीडियो देखो कि कितने अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है आज का दिन भी। इवन भंडारा भी करवाया गया था स्टूडेंट्स के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप आगे की वीडियो एंजॉय करो। राम प्यार प्रेम कोई अमर और न जाने, राम से
पर हवन करवाया गया था एंड सब बच्चे और जो भी फैकल्टीज थी वो वहाँ पर थी। पंडित जी स्वस्तिक पाठ कर रहे हैं, आप लोग शांत रहेंगे तो स्वस्थ। हेलो श्री राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले लखन लाल की, बोले जनक नंदिनी जानकी माता की, श्री हनुमंत नमः शिव चंकलस्तु स्वाहा। ओम हरि ओम मा ओम इदावान महिमातो आगे में से झंडा ले लिया, इसलिए लग रहा है लाइन ने तो खा लेते अभी तक भुक्कड़ों की तरह। दोस्तों ये बहुत बड़े न्यूज चैनल के रिपोर्टर आए भाई, यहाँ रिपोर्टिंग कर ले। श्री राम जन्मभूमि की आज 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना हुई है, तो आज हमारे सारे टेक्नोलॉजी में तो आज हम देखेंगे कि लोगों के क्या विचार है जब श्री राम जन्मभूमि में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम की मूर्ति, आपके क्या विचार है, आपके क्या विचार है श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम जन्मभूमि की 550 साल बाद स्थापना हुई है, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? चार तो काफी अच्छे हैं, श्री राम जी हमारे सबसे प्यारे भगवान हैं, उन्हें बहुत मान। अरे आपकी लाइन आगे निकल गई, अरे तो आपको क्या लगता है 550 साल का संघर्ष आखिर में कामयाबी हुआ, तो अब क्या लगता है कि जैसे अयोध्या में हुआ, जैसे काशी में हुआ, ऐसा मथुरा में भी होगा, होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं लोग जोश से भरे पड़े हैं, लोग चाहते हैं कि अयोध्या भी आई। तो हम और दोस्तों से पूछते हैं कि भाई साहब आपके क्या विचार हैं जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बना है, 550 साल का संघर्ष पूरा हुआ है, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? तो कैसे लगता है कि जब अब 550 साल का संघर्ष पूर्ण हुआ है, श्री राम जी आखिरकार अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं? बहुत सारे कैमरा है हमारी टीम के पास, क्या लगता है? तो क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं? जैसे अयोध्या में हुआ, जैसे काशी में हुआ, काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा, तो क्या लगता है ऐसा उपाय था तुम्हारा? तो आप क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था राम मंदिर बनने में? मेरा था, सभी सेवकों का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राम जन्मभूमि की जो फसल था, ये 1992 में 30 अक्टूबर के दिन जब बाबरी मस्जिद की नींव ढाई गई थी, जब ये हुआ था। तो पीछे दो तीन भाइयों से मिलते हैं। क्या आपकी हिम्मत है, क्या आपकी हिम्मत है कि आप सर से पूछ ले, क्या आपकी हिम्मत है आप सर से बात कर ले? चलिए अब हम नए बकरे ढूंढते हैं हमारी बदतमीजी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं भंडारे के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग मस्त शादी के खाने की तरह आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और आज 22 जनवरी श्री राम चाटा लगने वाला, आज राम लला की मूर्ति अयोध्या में मत चले चल लो बच्चे जल्दी भागा, हमारे रिपोर्टर जल्दी भागे, हम रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लड़कों में और कूड़े का ट्रक भरा पड़ा। अब इसने नया बकरा ढूंढना है जो है आंटियां, इनसे हम रिपोर्टिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कट। 22 जनवरी को आज आखिरकार श्री राम लला की मूर्ति अयोध्या में स्थापित हो चुकी है, तो आज हम यही यहाँ आए हैं लोगों से उनके विचार जानने और उन्हें कैसा लग रहा है श्री राम जन्मभूमि पे। झंडा लीजिए, धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि पे आज आखिरकार राम लला की मूर्ति स्थापित हुई है,
तो नमस्कार, ये हमारे कंटेस्टेंट है। तो आपको कैसा लग रहा है जो श्री राम जन्मभूमि पे आज राम लला की मूर्ति स्थापित हुई है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है जैसे अयोध्या में हुआ, जैसे काशी में हुआ, वैसे मथुरा में भी होगा? जरूर होगा, मोदी करेगा सब। मनाने में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हाथ किसका है, सबसे मोदी का कंट्रीब्यूशन किसका है? मोदी जी का, मोदी जी का, योगी जी का। तो आखिरकार तो नारा तो यही है, भाई बहनों का, माता पिता का। जी हाँ, जो 1992 में उन्होंने गोलियां खाई थी जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उनका सबसे बड़ा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया बट एडजस्ट कर लेगा। और इसी से मोदी है तो मुमकिन है। अंकल से भी जवाब मांगे भाई, अंकल से भी। यार ये क्या बदतमीजी है भाई। हाय मैं जा रही हूँ अभी घर। वैसे भी कीर्तन वगैरह भी होगा एंड इस व्लॉग में ज्यादा नहीं बोली क्योंकि म्यूजिक इतना था और अभी मैं थोड़ी ओपन अप भी नहीं हुई। अपने कॉलेज में मैंने पहली बार व्लॉग बनाया, ऐसे बहुत मजा आया, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। और मतलब अभी कीर्तन होगा, झांकी होगी, बट मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है और मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि अगर घर से किसी ने कॉल करे तो ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की, इसलिए मैं चार्ज भी करूँगी एंड मुझे और काम भी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी घर एंड मैं स्कूटी से जा रही हूँ, सो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं घर वापस आ गई हूँ एंड मैं सोच रही थी पहले कि कॉलेज जाऊँगी वापस थोड़ी देर में, बट मेरा मन अब थोड़ा नहीं कर रहा क्योंकि मैं थक गई हूँ। राम मंदिर के उद्घाटन भी है तो मुझे वो न्यूज़ देखनी है और राम जी की फ़ोटो आ गई है, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, वाओ, बहुत ही प्यारी है। एंड मतलब मन कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब रियल में खड़े हैं वो, उनका बाल रूप, मतलब इतनी रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आई। अभी मैं थोड़ी देर न्यूज़ देखूंगी कि क्या दिखा रहे हैं राम मंदिर का हमारे मोदी जी, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी जा रहे हैं, बट अभी कॉमन मैन अलाउ नहीं है। मेरा काफ़ी मन था जाने का बट अभी अलाउ नहीं है, इट्स ओके, मतलब थोड़ी देर बाद, बाय बाय। इसके बाद मैंने सीधा शाम को व्लॉग किया एंड हम लोग गए थे मंदिर, हमने भगवान जी के अच्छे से दर्शन करे और सब लोगों ने दीवे जलाए हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे, राम सीता भी लिखा हुआ था दीयों से ही एंड सब जगह इतना सुंदर डेकोरेट हो रखा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन करने के बाद प्रसाद में हमें मिली जलेबी जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म जलेबी और साथ में बूंदी का प्रसाद। उसके बाद हम लोग गए घर पर, दीवे जलाए। दे 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 साल की, अब दे मैं भी आ रहा हूं। हमारी अब आई है कि राम जी आए हैं। मैं तो चला गया, घंटा लग गया। दे दे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हो इतनी तगड़ी हालत में भी है, इतनी तगड़ी हालत में भी दीवे जला दे आई है हमारी मम्मी जी। सो नेक्स्ट डे मैं गई थी कॉलेज एंड ये क्लिप्स हैं उसी दिन की। भंडारा लग रहा है आज भी यहाँ पे गाइस, देख सकते हो ये मेरे दो दोस्त हैं जो कि बहुत ही बदतमीज है और ये दोनों के सामने ना बहुत शर्म आती है व्लॉग करने में। द बिगेस्ट क्रिकेट फैन, बेचारी को, बेचारी का मन है मजा ये खेल ले क्रिकेट गाइस। ओ माय गॉड, क्या रिएक्शन है इस पे? इनका विकेट देखो।
सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत नहीं पर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना ज़रूर इस वीडियो पे और कमेंट जरूर कर देना एंड मुझे थोड़ा मोटिवेट करना कि मैं वीडियोस और बनाऊं क्योंकि मैं वीडियोस बना लेती हूँ बट आप लोग उसको पसंद नहीं करते उतना। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जब जय श्री राम। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राम जी फाइनली वापस आ गए हैं अपने जन्मभूमि में क्योंकि भाई हमारा हक था, तो मतलब हमारा क्या हमारे राम जी का हक था उस भूमि पे कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, वाह आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो अब काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि इतना ज्ञान बांट रही है बट ठीक है, मेरे को तो बहुत खुशी है कि हमारे राम जी फाइनली आ गए हैं वापस एंड मैं सोच रही हूँ अब हर वीडियो की स्टार्टिंग में करेंगे जय श्री राम इंस्टेड ऑफ हेलो गाइस हेलो गाइस, तो जय श्री राम से शुरू करेंगे ठीक है। मुझे ऐसी जगहों पर जाना तब पसंद है ना, मतलब थोड़ी सी धार्मिक जगहों पर, अब वो कुछ भी कह लो, कुछ लोगों का सच में दिल से मन करता है, कुछ लोग मतलब आई डोंट नो आजकल कुछ पता नहीं कि सोशल मीडिया के लिए जाते हैं या फिर रियल में उनका दिल से मन करता है, बट मेरा सच में मन है कि मैं जाऊँ उन जगहों पर एंड मेरी 3 ड्रीम प्लेसेस हैं करंटली जहाँ मुझे जाना है एंड ऑल्सो एक हिंट है कि वो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया से बाहर नहीं है, तो मेरा बहुत मन है उन जगहों पर जाने का एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि मैं जल्दी से जल्दी उन जगहों पर जाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।